हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक धमाका करने जा रहा हूँ लेक्चर में। क्या? तो सिंपल है, आप लोगों को मैंने मेथड तो सिखा दिया कि कार्ल पियर्सन मेथड से सम कैसे करते हैं, और आज दिखाने वाला हूँ कि कौन से सम एग्जाम में आ चुके हैं उसमें से एक सम लेंगे अलग अलग तरीके से, और आगे के सम आपको बता देंगे जो 5 मार्क्स में ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो देखो फटाफट और ध्यान से समझो, आज हम लेने वाले हैं मार्च 23 में जो पूछा गया लेटेस्ट वो। अच्छा, और ये क्वेश्चन था क्या? एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 11। ये जो सम नंबर 11 है वही मार्च 23 में पूछा गया था, उसको मैं आज सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को आता ही है, मेथड तो पता है, सिर्फ आज आपको रियलाइज है तो यार ये तो सर स्कूल में जो करवाया या लेक्चर्स में आपने करवाया वही चीज पूछ रहे हैं और हर एग्जाम में सेम है, तो इतनी मेहनत थोड़ी सी करेंगे? 5 मार्क्स फिक्स? यस, फिक्स मार्क्स। देखते हैं आगे, ध्यान से देखो। पहला क्या दिया है इसमें? फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ फार्मिंग, इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब दो चीजें दिया है, कितना फर्टिलाइजर यूज हुआ और दूसरा कितना प्रोडक्शन, दो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको बोल रहा है ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करो, सिंपल। अब ये दो चीजें अवेलेबल है, अब आप लोग थोड़ा माइंड दौड़ाओ, कब कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो आप लोगों को पता है सर यूबी वाला मेथड हर जगह चलता है, अगर यूबी यूज किया हर जगह एप्लीकेबल, तो वही कर लेते हैं। फर्टिलाइजर 1.5, 2.1, 0.9, 1.8, 1.1, 1.2 एंड प्रोडक्शन पर हेक्टर दोनों दिया है। अब इसका यूज करके मैं यू और वी फाइंड करता हूँ। अब आप सब लोगों को पता है सर जी हम यू फाइंड करेंगे एक्स माइनस, ये एक्स की वैल्यू के ऊपर से यू होगा, सेम वे वी वाई माइनस। अब सर माइनस क्या करें, जो इच्छा हो वो माइनस कर सकते हैं। मैं चाहूंगा ये सब में से जो छोटी वैल्यू है 0.9 इसको माइनस कर, 0.9। सेम वे ये सब में से छोटा है 45, तो 45 को माइनस कर देते हैं। अब सर डिवाइड भी करना है, जब पॉइंट में हो तो डिवाइड करो ही करो, अगर पॉइंट में आंसर ना हो तो डिवाइड ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पॉइंट में है ना, तो उसके लिए तो मैं डिवाइड करूंगा ही भाई, और डिवाइड बाय मोस्ट आईएमपी। ध्यान से सुनना मैं क्या सिखा रहा हूं, मैं क्या सिखा रहा हूं, लोग क्या सिखा रहे हैं अलग बात है, मैं क्या सिखा रहा हूं ध्यान से देखो। सर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, साफ में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पे मैं डिवाइड लिखूंगा 0.1। अगर पॉइंट के बाद कहीं भी दो डिजिट होते तो 0.01 लिखता, पॉइंट के बाद कहीं तीन डिजिट होता तो 0.001 लिखता। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ 0.1 से, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ये खास ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखने का दूसरा तरीका भी है, मैं नहीं लेता हूँ वो तरीका इसलिए क्योंकि इसका यूज आगे करना सिखाऊंगा। सेम वे सर यहाँ पे y माइनस 45 ये करूंगा तो भी चलेगा, और अगर डिवाइड करूं तो सर ये देखो सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये सब डिजिट ऐसा है जिसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, नहीं करो तो भी चलेगा, करो तो भी चलेगा, मैंने दोनों तरीके से सम किया है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब थोड़ा आसान तरीका, जब पॉइंट में आंसर आए तो अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि आपने 0.1 से डिवाइड कर दिया, तो मान लो कि जो पॉइंट है ना वो निकल गया, ये 1.5 नहीं है ये 15 है, ये 2.1 नहीं है 21 है, ये 9 है 18 है 11 है 12 है, ऐसा मान लो मन में, कैलकुलेटर में ये सब ना करना हो तो लिखने के लिए बुक के मन में समझने के लिए ये सब पॉइंट नहीं है मान लो, और आपने उसमें से 0.9 नहीं 9 माइनस किया। अब देखो 15 माइनस 9 आंसर 6, 21 माइनस 9 12, 9 माइनस 9 0, 18 माइनस 9 9,
11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3। अब आप सोच लो कि आप ये सब में से 9 माइनस कर लो आंसर ये आ रहा है, बल्कि यहाँ पे लिखा क्या था x माइनस 0.11 0.1। ऐसा करोगे तो भी आंसर तो वही आएगा जो आप कर सकते। सेम में मैंने बोला y माइनस 45, इन ये सब में से 45 माइनस करो, 60 माइनस 45 करोगे 15, 95 माइनस 45 15, 50 माइनस 45 5, ऐसे सब में से माइनस कर दो ये आंसर मिलेगा, इसको बोलेंगे वी। दूसरा तरीका सर, डिवाइड बाय 5 भी कर दो। तो बाजू में मैंने ब्लू पे मार्कर से लिखा है, या जैसे यहाँ पे ग्रीन से लिखा वो वी हो गया, इसको डिवाइड बाय सबको 5 कर दो, तो 3 10 1 6 0 6। तो आप डिवाइड करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, ये सिखाना चाहता हूँ एक ही सम में, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब सर यू वी चाहिए, ये यू और वी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रीन कलर है ना, 16 6 into 50 90 12 50 600 0 30 into 9 270 2 into 00 330 90। तो ये ग्रीन कलर वाला। सेम आप ब्लू से भी कर सकते हो, यू वी सर दो तरीके से कर रहे हैं, हाँ दो तरीके से डिवाइड करके भी विदाउट डिविजन, 6 6 6 6 12 10 144 0 9 6 81 2 0 0 3 6 9 सॉरी 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 गलती कर दिया 6 6 80 12 10 120 0 0 3 6 80 टोटल कर दो। ये सिग्मा यूवी ले सकते हो, ये भी सिग्मा यूवी ले सकते हो। अगर ग्रीन कलर वाला लोगे तो पूरे में ग्रीन कलर, ब्लू कलर लोगे तो ब्लू। नेक्स्ट यू स्क्वायर, सही है यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर है वो ये लिखा है, ब्लू कलर का जो बी स्क्वायर है वो ये लिखा है, अब खत्म। ये कैलकुलेशन हो गया फिर तो आपके लिए आसान है ना भाई। एक फॉर्मूला ग्रीन कलर वाला, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, सेकंड एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है। सिर्फ वैल्यू डालो, एन 1 2 3 4 5 6 6, सिग्मा यू वी ग्रीन ये रहा, यू वी ग्रीन 10 15 माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, ये सिग्मा यू सिग्मा वी ग्रीन कलर वाले दोनों ले लिए, एन सिग्मा यू वी यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, ये 32 स्क्वायर, एन सिग्मा वी स्क्वायर सर ये वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर 130 होल स्क्वायर सिग्मा वी, ये 130 क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से लिया है, जो ग्रीन कलर वाला कैलकुलेशन है वो। चलो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.84, काम खत्म। सेम वे ब्लू कलर वाला जिसमें डिवाइड नहीं किया, क्या था डिवाइड करके ब्लू कलर, डिवाइड नहीं किया ग्रीन कलर, तो डिवाइड वाला जो है वो ये है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी प्लस में ये सिग्मा यू वी जो है यू और वी मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रीन ब्लू कलर 210। सिग्मा यू तो वही है, सिग्मा वी 26 हो गया, ये सेम पे नीचे 182 एंड 26, ये सॉल्व करोगे आंसर 0.84। तो कुछ भी लो, डिवाइड करके लो या डिवाइड ना करो, आंसर सेम ही आता है, ये प्रूव कर रहे हैं, इसलिए एक ही सम दो तरीके से कर लिए। आपको मेथड सिखा चुका हूं, आज पेपर का एग्जाम करवा रहा हूं, और सेम ऐसे टाइप के सम्स जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जुलाई 22 में आया है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 जुलाई 18 मार्च 22 में था, इलस्ट्रेशन 11 मार्च 19 मई 21 में था। एक्सरसाइज 2.2 में से फर्स्ट वाला जो है वो मार्च 20 में, थर्ड वाला जो है जुलाई 19 जुलाई 22 मई 20 में, तीन बार आ चुका है, और सम 18 में आ चुका है। अब सोचो ये सब सम आपको खुद करना है, क्यों पता है, मेथड तो यही रहेंगे, इच्छा हो तो डिवाइड करो, इच्छा हो डिवाइड मत करो, सब सम यू भी वाली मेथड से कर दो, आसान एकदम आसान। कैलकुलेशन में गलती हुई तो मार्क्स जाएंगे, वरना 5 मार्क्स फिक्स, ये सब 5 मार्क्स में आ चुके हैं वो सम से, और आप आसानी से कर सकते हो। एनालिसिस करोगे तो सब 2.2 में से ज्यादा है, यस क्या कर सकते हैं, जिसको जिसमें से पूछना था पूछ लिया। तो ये आपका होमवर्क, ये आपका रिविजन।
मिनट मान लो क्योंकि आगे का मैं करवा चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।